राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लोकसभा में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि नामांकन में कांग्रेस आलाकमान के अलावा पार्टी के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं समेत एनसीपी प्रमुख शरद पवार, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, सपा के नरेश अग्रवाल और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा वहां मौजूद थे। अपने नामांकन से पहले मीरा कुमार दिल्ली स्थित राजघाट गई और महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद वो समता स्थल भी गई, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले मीरा कुमार ने साफ कर दिया था कि वो अपना चुनाव प्रचार अपने गृह राज्य बिहार से न करके गुजरात के साबरमती आश्रम से करेंगी।